और जोधपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में बम के धमाके कर दहशत फैलाने की योजना बनाते हैं इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के नेटवर्क को डिकोड कर एटीएस ने आतंकियों को गिरफ्तार किया था। और इस मामले में एडीजे संख्या 3 ब्रजेश पवार की कोर्ट में सुनवाई हुई। पेशी के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी वकार अजहर और साकिब अंसारी को पेश किया गया। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 11 जून का समय मुकर्रर किया। इस मामले में अगली सुनवाई पर ट्रायल शुरू होगी। मामले में प्रतापनगर के तत्कालीन थानाधिकारी विद्याधर डूडी के बयान भी होंगे। प्रतापनगर थाने के अंदर जो संस्थित प्रकरण हुआ था आतंकवादियों के खिलाफ, जो उन्होंने सो कॉल्ड आतंकवादी बताए गए थे, उनके खिलाफ जो मुकदमा है उसमें आज ट्रायल शुरू हो गई है। सभी मुलजिमानों के चार्ज बन चुके हैं और 11 जून को से गवाह शुरू हो जाएगी, जिसमें गवाह विद्याधर डूडी साहब को गवाह को कॉल किया है और तब से गवाह शुरू हो जाएगी। आज किन किन को पेश किया है? आज बकरार जो काफ़ी लंबे अरसे से तिहाड़ जेल के अंदर था, जो जिसकी यहाँ पे हाजिरी नहीं हो पा रही थी, जिसको नई चालान दिया गया था, इस वजह से उसको उसका होना आवश्यक था, क्योंकि सभी जब तक मुलजिमानों के चार्ज नहीं बन जाते, आरोप नहीं बनते, तब तक ट्रायल प्रारंभ होना संभव नहीं था। तो आज ये लास्ट एक्यूज था जिसको आज पेश कर दिया गया और ट्रायल शुरू।